दलिया शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और दलिया से अक्सर हम खिचड़ी बनाते हैं या उपमा बनाते हैं, मगर आज हम बनाएंगे दलिया से इडली, जो बहुत ही हेल्दी होता है, नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है, और उसके साथ दाल सांभर। तो नमस्ते, मैं हूं नंदना और आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए इडली के लिए पहले एक गिलास दलिया ले लेंगे। अब उसको अच्छे से धोना है, दो बार उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक दो घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो दलिया अच्छे से भीग गया है, अब उसको पीसना है। तो एक मिक्सर जार में दलिया को ले लेंगे पहले। तो दलिया लेने के बाद उसके साथ मिलाएंगे हाफ कप सूजी, स्वाद अनुसार नमक और खट्टा दही। तो मैंने यहाँ 1.5 कप दही ले लिया। तो दही लेने के बाद उसके साथ मिलाएंगे 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद वाला जो तिल होता है वही तिल, और मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब पानी लिया। अगर पीसते टाइम बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप सूजी मिला सकते हो। तो मैंने यहाँ और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी मिलाई। तो मिलाने के बाद देखिए बैटर एकदम परफेक्ट है। आप छौंक लगाएंगे तो पैन में डाले 1 टीस्पून के करीब ऑयल, आप उसमें डाले 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मेथी, 1/4 टीस्पून राई, 1-2 हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग। अब सारे चीज़ को अच्छे से कुछ देर चलाएंगे। चलाने के बाद 5-6 करी पत्ता डाल के जैसे ही बहुत ही सुंदर फ्लेवर आएगा तभी हम बैटर के साथ मिलाएंगे। तो देखिए अच्छे से मिलाना है। जब अच्छे से बैटर मिलाना हो जाए तब एक इडली स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ही हम बैटर के ऊपर 1/2 टीस्पून डालेंगे इनो। अब इनो डालने के बाद देखिए कितना बबल्स आ रहा है, एकदम फ्लफी हो गया है बैटर। अब धीरे धीरे स्टैंड में डालेंगे। डालने के बाद अभी कुछ देर इडली बनाने के लिए छोड़ देंगे, तब तक सांभर बना लेते हैं। सांभर के लिए मैंने यहाँ लिया 1 कप मटर दाल। अब उसको अच्छे से धोने के बाद ही कुकर में डालना है। पहले दाल को डालें, अब उसके साथ मिलाएं। मैंने यहाँ कुछ सहजन फली जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं वही लिया, और 1 कच्चा केला, थोड़ा सा पपीता और 2 टमाटर। सब डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, इमली 1/2 टीस्पून, हींग थोड़ा सा, हल्दी का पाउडर और सांभर मसाला 1/2 टीस्पून। पानी डाल के सारी चीज़ अच्छे से उबलना है, जब तक दाल नहीं गलता है तब तक उबलेंगे उसको। जब तक दाल पक रहा है तब तक इडली देख लेते हैं। इडली इधर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना सॉफ्ट नरम इडली बन के तैयार हो गया है। अब इधर दाल भी बन चुका है, नरम हो गया है। अब उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी 1 गिलास मिलाएं। तो पानी मिलाने के बाद नमक थोड़ा सा कम होगा इसलिए और थोड़ा सा नमक मिलाएं, और उसके बाद छौंक लगाएंगे। तो जैसे करी पत्ता, थोड़ा सा राई और सूखी मिर्च डाल के जो छौंक होता है वही डालें। तो कुछ देर उबालने के बाद ही गर्मा गर्म इडली के साथ परोसना है। बहुत ही टेस्टी होता है दलिया का इडली और दाल सांभर और उसके साथ चटनी भी। तो दोस्तों अभी बनाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।